नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कार हेल्थ मंत्र में। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे काली मिर्च से होने वाले फायदों के बारे में। आयुर्वेद के ज्ञाता आचार्य बालकृष्ण जी कहते हैं कि आयुर्वेद काली मिर्च को औषधि मानता है और इसके कई गुण कई विकारों में लाभकारी होते हैं। तो चलिए आपको काली मिर्च से होने वाले फायदों के बारे में विस्तार से बताते हैं। काली मिर्च का सेवन आपको सर्दी जुकाम से दूर रखता है। बदलते मौसम में अक्सर हम सर्दी जुकाम के शिकार हो जाते हैं, ऐसे में काली मिर्च का सेवन काफी राहत पहुंचाता है। इसका सेवन गले को भी साफ रखता है। इतना ही नहीं, कई लोगों को लगातार जुकाम रहने के कारण बाल झड़ने की समस्या हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में भी ये काफी लाभकारी होती है। सर्दी के अलावा चर्म रोग की समस्या में भी ये काफी मददगार साबित होती है। शरीर में फोड़े फुंसी की समस्या है तो ऐसे में काली मिर्च को घिसकर फोड़े वाली जगह पर लगाने से लाभ मिलता है। इसके अलावा कील मुहासों में भी ये काफी फायदेमंद होती है। काली मिर्च का सेवन आपको तनाव से दूर रखता है। काली मिर्च में मौजूद पिपराइन में एंटी डिप्रेसेंट के गुण होते हैं, जो टेंशन और डिप्रेशन दूर करने में काफी मददगार होते हैं। तभी तो पुराने लोग आज भी काली मिर्च के सेवन को काफी तरजीह देते हैं। मसूड़ों और स्वस्थ दांतों के लिए भी काली मिर्च फायदेमंद है। इसका सेवन दांतों से जुड़ी समस्याओं से राहत देता है। इससे मसूड़ों के दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलता है। यदि काली मिर्च को माजू फल और सेंधा नमक में मिलाकर उसका चूर्ण बनाकर और फिर सरसों के तेल में मिलाकर दांतों या मसूड़ों पर लगा लेते हैं तो इससे आपको काफी राहत मिलती है। अगर हिचकी ज्यादा आती है तो काली मिर्च इसके लिए भी फायदेमंद होती है। हरे पुदीने की 30 पत्ती, 2 चम्मच सौंफ, मिश्री और काली मिर्च को पीसकर 1 गिलास पानी में उबालकर पीने से हिचकी की समस्या दूर हो जाती है। काली मिर्च को जलाकर और फिर पीसकर बार बार सूंघने से भी हिचकी की समस्या दूर हो जाती है। गैस और एसिडिटी की समस्या में भी काली मिर्च है बेहद लाभकारी। नींबू के रस में काला नमक और काली मिर्च का पाउडर मिलाकर सेवन करने से लाभ मिलता है। तो आज की इस कड़ी में आपने जाना काली मिर्च से होने वाले फायदों के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारा हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।